दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया तीसरे वनडे में श्रीलंका को रौंदकर उनसे अपनी बेइज्जती का बदला ले तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद गुस्से से आग बबूला रोहित शर्मा ने अब तीसरे वनडे में श्रीलंका को सबक सिखाने के लिए प्लेइंग 11 में कर डाले एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बड़े बदलाव। ऐसे भूखे खूंखार शेरों की कराई है प्लेइंग 11 में एंड्री, नाम सुनकर ही थर थर कांप उठेंगे श्रीलंका के खिलाड़ियों के पैर। तो आखिर अब तीसरे वनडे में कितने 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में गदर मचाने उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा। भारत की प्लेइंग 11 में होने वाले कौन से बड़े बदलाव, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन तीसरे वनडे में शतक लगा पाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले वनडे में जो जीता हुआ महामुकाबला टीम इंडिया बुरी तरीके से हार गई, केवल 240 रनों का पीछा करते हुए भारतीय खिलाड़ी इस कदर बेबस हुए कि पूरा का पूरा भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और श्रीलंका ने केवल 240 रन डिफेंड करते हुए भी टीम इंडिया को 208 रनों पर ऑल आउट कर दूसरे वनडे मुकाबले को 32 रनों से जीत लिया। साथ ही साथ एक शून्य से इस वनडे सीरीज में बढ़त भी बना ली जो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसके बाद अब सीरीज का तीसरा सीरीज का पहला हाई वोल्टेज महामुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। तो वहीं चौंकाने वाली बात आपको बता दें, इस तीसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के युवा दिग्गज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के लिए काफी बुरी खबर सामने आ रही है। उन्हें तीसरे वनडे में से टीम से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ और भी कई बड़े बदलाव अब गुस्से में कप्तान रोहित शर्मा ने भारत की प्लेइंग 11 में कर डाले हैं। तो चलिए अब विस्तार से पूरी बात जानते हैं, जहां कप्तान रोहित शर्मा पहले और दूसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों के शर्मनाक प्रदर्शन से बेहद निराश हैं और उनके गुस्से का सारा ठीकरा बल्लेबाजों पर ही फूटने वाला है, खास तौर पर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों पर जिन्हें अब प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल है। उनकी जगह पर 2 से 3 नए युवा खिलाड़ियों को रोहित शर्मा तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में मौका देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवा विस्फोटक ऑलराउंडर रियान पराग की, जहाँ बीते दिन श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में 3 महत्वपूर्ण विकेट झटक कर काफी सनसनी मचा दिए थे। तो ऐसे में उभरते हुए युवा धुरंधर ऑलराउंडर रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को कप्तान रोहित शर्मा बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे। जबकि पहले और दूसरे वनडे में ऋषभ पंत भी बेंच पर थे, यदि वो टीम में होते तो शायद टीम इंडिया को जीत दिला पाते। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों को रोहित शर्मा ने ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ होने वाले करो या मरो के तीसरे वनडे महामुकाबले के लिए घोषित की भारतीय टीम की कंफर्म प्लेइंग 11, जहां इस फाइनल तीसरे वनडे मुकाबले में ओपनिंग की पूरी जिम्मेदारी निभाते दिखाई देंगे दो धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जहां पिछले मैच में भी कप्तान रोहित शर्मा ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था। जब तक वो थे ऐसा लगा कि टीम इंडिया आसानी से ये मैच जीत जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इससे अंदाजा हो जाता है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया की जीत में कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं। वहां युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल भी बीते T20 सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन का नजारा पेश किया था, लेकिन पहले वनडे और दूसरे वनडे में भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ नहीं था, जिससे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा दोनों नाराज नजर आए थे। लेकिन वो भारत के फ्यूचर कप्तान है और इस टीम के उप कप्तान भी है। ऐसे में रोहित शर्मा ने अभी भी शुभमन गिल पर भरोसा दिखाया है और तीसरे वनडे में एक बार फिर वो गिल के साथ ओपन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में तीसरे नंबर पर मौका मिला है दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली को, जहाँ विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ रन नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हैं। लेकिन पहले वनडे में विराट गलती कर बैठे तो दूसरे वनडे मैच में भी विराट कोहली केवल 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन उनकी एक पूरी गलती टीम इंडिया की डाउनफॉल का कारण बन गई, जिससे विराट कोहली भी काफी उदास नजर आए थे। ऐसे में अब तीसरे वनडे में जब रोहित शर्मा ने अपने सबसे बड़े हथियार पर दोबारा भरोसा जताया, ऐसे में दोस्तों विराट कोहली चाहेंगे कि तीसरे मुकाबले में वो फिर से शतक जड़कर क्रिकेट फैंस को काफी उत्साहित करें। तो दोस्तों ऐसे में चौथे नंबर पर अनुभवी खिलाड़ी केएल राहुल को मौका मिला है, जो दूसरे वनडे में भारत की हार के सबसे बड़े विलेन है। वो तो पिछले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे, जिसके बाद लग रहा है कि राहुल को तो टीम से धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी वजह से अंत में टीम इंडिया हार गई। लेकिन बावजूद उसके रोहित बड़ा दिल दिखाते हुए तीसरे वनडे मुकाबले में दोबारा राहुल को मौका दे रहे हैं। ऐसे में उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, जो कि रोहित के भरोसे पर खरा उतरे और टीम इंडिया को तीसरे वनडे में किसी भी कीमत पर जीत दिलाए। तो वहीं इसके बाद नंबर 5 पर दूसरे वनडे के लिए बेहतरीन मौका मिला है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋषभ पंत को, जहां ऋषभ पंत भी T20 वर्ल्ड कप हो या श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज सभी महामुकाबलों में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करके दिया है।
हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत ने अभी तक भारतीय टीम के लिए उतने अधिक वनडे मुकाबले में शिरकत नहीं की है, जहां वो अपने उभरते हुए करियर में सिर्फ 29 वनडे मुकाबले खेले, जिस दौरान ऋषभ पंत ने शानदार स्ट्राइक रेट 105 से टोटल 862 रन ही बनाए। इसीलिए दोस्तों उन्हें वनडे टीम में रखा गया, क्योंकि ऋषभ पंत वर्तमान समय में काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं और उन्हें टीम में लाने के लिए रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर के प्लेइंग 11 से बाहर फेंक दिया है। उनकी अप्रोच रोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। श्रेयस अय्यर पहले और दूसरे दोनों वनडे मैचेस में टीम को मुसीबत में छोड़कर आउट हुए थे। ऐसे में ऋषभ पंत को टीम में लाने के लिए श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो वहीं छठे नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा ने सभी को चौंकाते हुए तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया खतरनाक युवा ऑलराउंडर रियान पराग को, जहाँ खतरनाक ऑलराउंडर रियान श्रीलंका के विरुद्ध 3 T20 मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन का नजारा पेश किया था। क्योंकि दोस्तों रियान पराग भारतीय टीम का उभरता हुआ सितारा बन चुका है, जहाँ वो टीम इंडिया के लिए अभी तक कोई वनडे महामुकाबला भी नहीं खेले, लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने उनके ऊपर काफी भरोसा जताया है, क्योंकि रियान पराग अपने घातक बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी से काफी प्रभावित रहते हैं। इसीलिए दोस्तों रियान पराग को तीसरे वनडे में जलवा दिखाने का मौका मिला है। तो ऐसे में नंबर 7 पर श्रीलंका के विरुद्ध दूसरे वनडे के लिए धुरंधर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को मौका मिला है, जहां अक्षर पटेल ने पिछले मैच में भी 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ऐसा लगा था कि वो टीम इंडिया को जरूर जीत दिलाएंगे, लेकिन वो भी अपने सीनियर खिलाड़ियों के जैसे गलती कर बैठे, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में उनका योगदान भरपूर था। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वहीं 8 नंबर के पायदान पर वाशिंगटन सुंदर भले ही पिछले मैच में केवल 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में रोहित शर्मा इस मैच में अपने दोनों खूंखार ऑलराउंडरों के साथ उतरने वाले हैं और श्रीलंका को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं। जबकि 9 नंबर पर कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से कुलदीप यादव पर भरोसा दिखाने वाले हैं, जहां कुलदीप यादव की फिरकी में टीम इंडिया में बहुत काम आई थी। ऐसे में कुलदीप रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। तो वहीं इसके बाद नंबर 10 पर दूसरे वनडे के लिए धांसू तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज होंगे, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद सिराज भी टीम इंडिया के लिए काफी वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिससे दोस्तों मोहम्मद सिराज के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होने वाली है कि वो दूसरे वनडे की अपनी गलती को सुधारें और श्रीलंका पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से धावा बोल जाएं। तो वहीं अंत में नंबर 11 पर तीसरे वनडे के लिए अर्शदीप सिंह को मौका मिला है, जहां दोस्तों आपको तो पता ही होगा घातक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह T20 और वनडे दोनों फॉर्मेट में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव होने चाहिए? कैसी लगी आपको ये वनडे की खतरनाक प्लेइंग 11? क्या टीम इंडिया ये तीसरा वनडे मुकाबला जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने दिया बड़ा भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कर दिया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम को फटकार लगाने के साथ एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की हार पर भारतीय दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और पटेल में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को 32 रन से हार का सामना करना पड़ रहा है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को वाशिंगटन सुंदर के 3 और कुलदीप यादव के 2 विकेट के चलते 50 ओवर में 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया, और इसका पीछा करने के लिए आई थी भारतीय टीम के ओपनिंग ने साझेदारी ने 97 रन की, लेकिन 42.2 ओवर में भारतीय टीम ने 208 रन ऑल आउट होकर बना दिए। ऐसे में भारतीय टीम को 32 रनों से हार मिली। भारतीय दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों को फटकार लगाई है और अब हार पर सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। मुझे उम्मीद थी कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से किसी भी महान खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों को दोबारा से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ हार मिली है, मुझे उम्मीद है कि यह टीम अगले मैच में जीत दर्ज जरूर करेगी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा से मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने
बिल्कुल भी खराब प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु फिर भी भारतीय टीम को आज जीत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत थी, लेकिन आज के दिन भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम इस मैच को हार गई। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में जीत दर्ज करने की जरूरत थी, क्योंकि पहला मैच भारतीय टीम अपने नाम नहीं कर पाई थी। ऐसे में मुझे लग रहा था कि भारतीय टीम दूसरे मैच में जीत दर्ज करेगी, लेकिन आज अब भारतीय खिलाड़ियों ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने जिस तरीके से आज के दिन भारतीय टीम को जीत दिलाने के बजाय उनका हार के करीब ले जाने का कार्य किया है, वो बताता है कि भारतीय टीम क्यों जीत के लिए इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही थी।